मतलब क्या कहूँ। अच्छा साउथ इंडस्ट्री वाले एक के बाद एक बड़ा विस्फोट किए जा रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दशहरा मूवी के टीजर की। आइए जानते हैं कैसा है ये टीजर, उससे पहले छोटा इंट्रो हो जाए। हेलो गाइस, मैं हूँ विवेक, आप देख रहे हैं स्पाइरल वर्स, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ओ भाई साहब, क्या टीजर है, मतलब किस टाइप का टीजर है ये टीजर। का मूवी का अनाउंसमेंट ज्यादा लगा, मात्र 1 मिनट 14 सेकंड का सिर्फ है। ठीक ही है, जो भी है, नानी की मक्खी मूवी के बाद शायद दशहरा मूवी होगी जिसे देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इवन ये भी मूवी डार्क टोन की होगी जिसमें मास लेवल के एक्शन फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलेंगे केजीएफ मूवी की तरह। बट केजीएफ मत समझ लेना। देखिए, थोड़ी बहुत इसके टीजर ने मूवी की स्टोरी को रिवील कर ही दिया है। मूवी की स्टोरी एक गाँव के ऊपर दिखाई जाने वाली है जहाँ पर काफी गरीब आदमी रहते हैं और वहाँ पे कोयले की माइंस है और इसी कोयले की खदान में अपने स्टार नानी की किसी के साथ हो ही जाएगी, समझ रहे हो। आगे क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको क्या लगा? नहीं पता तो चिल कीजिए। जब ये टीजर रिलीज हुआ तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको मैंने देखा भी नहीं। फिर बाद में पता चला कि साउथ के स्टार नानी की मूवी आने वाली है तो वीडियो तो बननी चाहिए, आपके लिए बना डाली। आपका भी एक फर्ज है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। टीजर में थोड़ा ही एक्शन दिखाया गया है पर अच्छा है, उससे ज्यादा इसका BGM एंड नानी के नए लुक यानी कि नए अवतार को देखकर मैं काफी हैरान हूँ। मतलब इसके टीजर को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये साउथ के स्टार नानी है। इनके बॉडी का पूरा मेकओवर ही चेंज करके रख दिया है, एक तरफ अपने चिकने बिना बीएड के नानी और दूसरी तरफ बीएड वो भी इतनी ज्यादा कि कोई पहचान ना पाए, एकदम पुष्पा भाव की तरह। इसके टीजर में नानी का स्टाइल मुझे काफी अच्छा लगा, वो बीड़ी पीने का स्टाइल हुआ एंड अपने कमर पे दारू की बोतल को हमेशा लटका कर घूमना काफी अच्छा लगा और साथ ही ग्राउंड में चौका छक्का मारने के लिए पुशअप लगाना, ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई। एंड थोड़ी ज्यादा तारीफ हो गई, वैसे आपको कैसा लगा टीजर कमेंट में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।